कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज चौरई। जैजनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा स्थित धर्मनगरी चौरई में 14 से 19 जनवरी 2023 के मध्य ऐतिहासिक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य कड़ाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस धर्म और अध्यात्म के सरोवर में सभी साधर्मी बंधुओं ने अवगाहन कर अपना मानव जन्म सफल कर लिया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य कड़ाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा स्थित धर्मनगरी चौरई में लगभग 125 वर्षों बाद परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ससंघ की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अति भव्य श्री 1008 पारसनाथ दिगम्बर जैन मंदिर का नव निर्माण हुआ है, जिसका मंगलकारी ऐतिहासिक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ दिनांक 13 से 19 जनवरी 2023 के मध्य अध्यात्म योगी चरिया शिरोमणि महावीर के लघु नंदन राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य एवं ख्याति लब्धय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री पवन कुमार जी दीवान के प्रतिष्ठाचारित्व में भव्य समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। इस महामहोत्सव के लिए पूज्य आचार्य श्री ससंघ का 13 जनवरी को छिंदवाड़ा की पावन धरा पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ। भक्तों ने पूज्य आचार्य संघ का मंगल प्रवेश भव्य रूप से ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों के साथ कराया। इस दौरान छिंदवाड़ा के समग्र जैन समाज ने पूज्य गुरुओं की भव्य रूप से अगवानी की, साथ ही उनके चरण पखार कर और मंगल आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इस दौरान पूरे नगर में भक्ति का माहौल रहा। ऐतिहासिक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ को लेकर छिंदवाड़ा के चौरई का समग्र जैन समाज उत्साहित नजर आया। इस दौरान सभी ने प्रभु के कल्याणकों में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी को भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्रातःकालीन बेला में मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल तक श्री जी की पालकी यात्रा एवं घट यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। साध्वियों के समागम के साथ नगर भ्रमण करते हुए घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य आचार्य संघ के सानिध्य में पूजन इत्यादि कर ध्वजारोहण किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवार द्वारा पांडाल उद्घाटन किया गया और सभी ने गुरुओं के साथ पांडाल में मंगल प्रवेश किया। साथ ही श्राविकाओं ने मंडप वेदी एवं पांडाल शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ओम भ्रीम श्रीम शिंभु स्वाहा। ओम भ्रीम
श्रीम छिम भू स्वाहा ओम ह्रीम मही पूता। साधर्मी बंधुओं ने पांडाल में पहुंचने के पश्चात आचार्य श्री के चरण पखार कर स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करने के निमित्त शास्त्र भेंट करते हुए आशीष ग्रहण किया। मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात श्रद्धालुओं को साधु वृंदों के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। पंच कल्याणा हम यहाँ आचार्य भगवंत के सानिध्य में मना रहे हैं और वास्तव में पूरे नगर जैन अजैन आदि आदि सभी के मन में जो विशुद्धि है इस पंच कल्याणा को लेकर, इस गजरथ महोत्सव को लेकर और नीरज भैया के द्वारा जो यह नगर और यह पंचकल्याणा सभी के सहयोग से यह महोत्सव और उत्सव मनाया जा रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही ज्यादा वह आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी श्रृंखला में परम पूज्य अध्यात्म योगी चरिया शिरोमणि, महावीर के लघुनंदन, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित सभी का कल्याण किया। अनंत कर्म का जय नहीं होगा रुकता तब तक अनंत गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता जी। अनंत गुणों को चाहिए है तो कर्म का अंत करना पड़ेगा, इसलिए अंत से भयभीत मत हो, अनंत से भयभीत मत हो, लक्ष्य को समझने की आवश्यकता है। अनंत संसार से तो भयभीत होना चाहिए है पर अनंत गुणों से भयभीत नहीं होना है, अनंत गुणों की प्राप्ति चाहिए है तो आपको त्रिभुव क्षेत्र काल पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। क्षेत्र का नियम, क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव नहीं स्वीकारता व्यक्ति तो प्रश्न है शमशान घाट पर जाने पर हर व्यक्ति का चेहरा देखना निरत, किसी के घर में अशुभ घटना घटती है वहां का चेहरा देखना, और जिस घर में मंगल गान होता है वहां का चेहरा देखना है। मित्र द्वार वही है, द्वार वही है जहां से मुर्दा उठाया जाता है, उस द्वार का हाल क्या होता है, द्वार वही है तब मुर्दाज के आर होते हैं तब हाल क्या होता है। महाराज जी के प्रवचन उपरांत अपने परिणामों की विशुद्धि के निमित्त श्रावकों ने श्री जी का कलशाभिषेक एवं शांति धारा की। जय कलश चंद कलश मंडप श्रुतिम कर्मेश्वर ओम नमः सूर्य कलश लोकालोक कलश त्रिकूट कलश उदयाचल कलश मंडप श्रुतिम कर्मेश्वर ओम नमो अरत ओम रीमनादि मूलमंत्रे पूर्णमा सब शांति दुष्टि पुष्टि चे करो करो ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणासे तो सर्व साधि तेजमूर्ते नमः श्री शांति नाथ शांति कराय सर्विंग प्रणाशन सुरगा मृत्यु विनाशन सर्व प्रकाशित पद्रव विनाशन सर्व छाम डामर विनाशन ओम भ्राम ब्रह्म सिंह सा नमः सर्व शांति दुष्टि पुष्टि चे करो करो ओम भ्रम छुंपट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रणा स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमंत्राम छिन छिन्दे परमंतान भिन्न भिन्न छाम छावा हूं पड़ शांति करो करो। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री पवन कुमार जी दीवान प्रतिष्ठा चारित्र में सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। इति इन्द्रनानु आवश्यक पत्राणि कुरुकृष्णा ओमरीरम अस्यासनमा रत्नमालाम अवधारयामि। सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंगल बधाइयों के साथ चौक पूरा कर अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्रों का हल्दी से उबटन किया। साथ ही मंडल पर श्रीफल मंगल कलश अखंड दीप इत्यादि स्थापित कर मंडप प्रतिष्ठा की। श्री पंचकाल प्रतिष्ठा कार्य शैवार्थम सर्विनिवार्थम प्रतिष्ठा मंडपे तिष्ठ तिष्ठे स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा पूर्व दिशा प्रतिष्ठा मंडपे तिष्ठ तिष्ठे स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा प्रतिष्ठा मंडपे निजोत्तरदार तिष्ठ तिष्ठे स्वनियोगम स्वाहा चे मंगल कार्य करणार्थम नवरत्न गंध पुष्पार्चितादि श्रीफल शोभित मंगल कलश स्थापनम करोम्यम झीम छीम हमसा चे जाप्य कलश स्थापनम करोमि देशा।
इसी श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में संगीतमय पंच कल्याणक का पूजन किया। ओम ह्रीम श्री आज्ञाप्तये मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति अर्घ्यम निरुपामिति। इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने क्रमानुसार विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम मृद्वासांग परपूर्ण सुज्ञानत्वाय बुद्धिविदा पादाय परमेश ने अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम मृ अरुण परमेश ने मंगलाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम मृ साधु मंगलाय अर्घ्यम निरुपामिति। ओम मृ अरहंत शरणाय अर्घ्यम निरुपामिति। ओम मृ अरहत परमेष्टि प्रवति धर्म शरणान् प्रथम बलयस्ते सप्तदश जिनाधीश यज्ञ देवताभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति। महामहोत्सव में परम पूज्य गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज का परोक्ष रूप से सानिध्य पाने के निमित्त समाज के प्रबुद्ध जनों ने उनके चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात धर्मानुरागियों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। चेतन कोई भी द्रव्य किसी की बुद्धि में जन्म नहीं लेता। जड़ चेतन वस्तु के प्रति आकांक्षा व्यक्ति की बुद्धि में जन्म लेती है। यदि व्यक्ति के अंदर आकांक्षा उत्पन्न हो है मित्र, ये देह मेरा स्थान नहीं है, ये देह मेरा स्थान नहीं है, देह को रखने का मेरा स्थान कौन हो सकता है? जिनकी आप आराधना कर रहे हो, जिन परमात्मा की आप उपासना कर रहे हो, उन परमात्मा से प्रक्षण करना चाहिए, प्रभु आप इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पांच पापों का प्रतिज्ञा इन्हें त्याग करने के उपरांत कुछ त्याग करने को अवशेष। संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने भक्ति करते हुए मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतार कर अपना जन्म सफल कर लिया। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी भक्तों ने प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। के पश्चात तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिनमें अष्ट देवियों ने नृत्यमयी मंगलाचरण के साथ इंद्र सभा का शुभारंभ किया। भव्य प्रस्तुति के पश्चात इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों ने आनंद नृत्य करते हुए तत्व चर्चा का आयोजन किया। स्वामी, सच्चे देव सच्चे गुरु कैसे होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। हे प्रिय, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। विषयों की आशा नहीं, जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निष्पर के हित साधन से जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, जो पचेंद्रीय विषयों की आशा के बस से रहित हो, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान व ध्यान रूपी तप में लीन हो, साथ ही 28 मूल गुणों का पालन करते हो, वही सच्चे गुरु। इसी बीच स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन हुआ, जिनके सम्मान में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद सभी सभासदों ने क्रमानुसार देवराज इंद्र से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। हमें तीर्थंकर भगवंतों का सद्भाव का प्राप्त होता है। हे देव सुनो, पृथ्वी के भरत एवं
ऐरावत क्षेत्रों में विशेष काल परिवर्तन होता है, जिससे अब श्रवणी के भोग भूमि के तीन काल व्यतीत होने के पश्चात जब कर्म भूमि का सद्भाव होता है तो उसी चौथे काल में तीर्थंकर भगवंतों का सद्भाव प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस श्रवणी के छठवे एवं पंचम काल के पश्चात जब चौथा काल आता है तो तीर्थंकर भगवंतों का सद्भाव प्राप्त होता है। इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान होने लगता है। इसके बाद सौधर्म अपने अवधि ज्ञान से जानने के बाद सात कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शचीन्द्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि आपने किसे प्रणाम किया? क्या वह अपने अंतर कक्ष में आसीन है? यहाँ तो कोई मुझे नहीं देख रहा। हे सची, मेरी प्यारी सची, मेरी भोली सची, आप तो जानती हैं बिना किसी कारण के मैं कोई कार्य नहीं करता। हे स्वामी, आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं, आप इतने पसंद क्यों हैं? किसे प्रणाम किया, बताओ ना, बताओ ना। सुनो सची, हे सभा सदो, तुम भी सुनो, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अयोध्या नगरी में आज से 15 महीने पश्चात तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। इसी दौरान सौधर्म इंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ राज दरबार में पधारते हैं, जिनके आगमन की खुशी में स्वर्ग के सबसे सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सौधर्म इंद्र के कहने पर धनपति कुबेर अयोध्या नगरी में जाते हैं, जहां माता मरुदेवी की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त करते हैं, साथ ही शिल्पकारों को बुलाकर नगरी की सुंदर रचना कराते हैं। अयोध्या नगरी की रचना हो जाने के बाद अष्ट देवियाँ महाराजा नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी की सेवा करने के लिए पहुँचती हैं। सेवा करते करते माता को निद्रा आ जाती है और माता को रात्रि के प्रहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सोना सपन अजमरानी घड़ी आई रे, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे मन सोना सपन। दर्शकों, देखा आपने मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा स्थित धर्मनगरी चौरई में 14 से 19 जनवरी 2023 के मध्य परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में आयोजित हुए इस ऐतिहासिक श्री मज्जनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में भक्तों ने कितने आनंद पूर्वक गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अगली कड़ी यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के साथ। दर्शकों, आप सभी की पॉपुलर डिमांड पर जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुरविद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट्स जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए
और मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज चौरई।